हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सबको? मेरा नमस्कार, मैं दिनेश कुमार एक बार फिर से आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी इन हिंदी पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी भर्ती परीक्षा में 23 तारीख यानी कि आज की तारीख में अभी 12 बजे तक जितने फॉर्म भरे गए हैं उनका पूरा डेटा मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई ये पूरी जानकारी मैं आपको प्रूफ के साथ में दिखा दूँगा। ये एकदम रियल डाटा है जो कि आज 12 बजे तक फॉर्म भरे गए हैं। दोस्तों, आपका वो कंप्लेंट है कि सर आप ये फेक डाटा बता रहे हो, अभी मेरे फ्रेंड जो फॉर्म भरा है उसमें 10,000 ज़्यादा फॉर्म भरे गए। तो दोस्तों, आपको इतना तो पता होगा जो ये मैंने डेटा बताया 12 बजे तक आज सुबह के बाद में कलेक्ट किया है। कुछ जानकारी मैंने 9 बजे ली है, कुछ 10 बजे, कुछ 11 बजे, तो 9 बजे से लेकर अभी आप 1 बजे फॉर्म भर रहे हो तो 4 घंटे में दोस्तों आपको पता है 10 से 20 हज़ार से ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। तो दोस्तों, डेटा मैं जो बता रहा हूँ उससे आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे, फॉर्म कम देखने को नहीं मिलेंगे। तो जो ये मैंने डेटा लिया है 12 बजे तक का डेटा है दोस्तों। कोई जानकारी मैंने 10 बजे ली है, कोई 8 बजे ली है, 8 बजे से लेकर 12 बजे बीच में जितने फॉर्म भरे गए हैं, मैंने मेरे एक फ्रेंड की ईमित दुकान है तो वहाँ पर मैंने स्वयं खुद ने खुद खड़े रह के डेटा कलेक्ट किया है। जितने फॉर्म भरे जा रहे थे उनके रजिस्ट्रेशन के नंबर पर आधार पर ने सारा डेटा कलेक्ट किया है। तो वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपने आज के डेट में फॉर्म भरा है तो नीचे कमेंट में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर लिखिएगा ताकि जो अभ्यर्थी बोल रहे हैं आपका डेटा रॉन्ग है तो उनको इस बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक बार लाइक जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों आप वीडियो कंप्लीट देखते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा आपको मिलती रहती है और आप एक अच्छा जॉब चूज कर पाते हो तो मेरे को मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो बनता है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हो सके तो अपने दोस्त को ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए उसके पास शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आपने मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे वीडियो में आपको ऐसा एक रेड बटन दिख रहा होगा तो उस पर आपको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और पास ही में बने इस बेल आइकन बटन पर भी प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। दोस्तों, मेरे चैनल पर NTPC 2015 के और RPF एग्ज़ाम के, ALP लोको पायलट 2025 CBT सेकंड और ग्रुप डी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी के जनरल साइंस के MCQ क्वेश्चनों के वीडियो डाले जा रहे हैं जो आपके आगामी एग्जाम में बहुत से फ़ायदे करने वाले हैं। तो इन वीडियो को आप जरूर देखिएगा, इनको देखने के लिए चैनल को या जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको डेटा दिखाता हूँ लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं जो मैंने आज मॉर्निंग में स्क्रीनशॉट लिए थे। तो दोस्तों, ये रहे जितने भी मैंने स्क्रीनशॉट लिए, सभी जोन के मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े हैं। मैं आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट से दिखाऊँ, इससे जब मेरे पास डेटा लिखा हुआ है मैं वहीं से आपको दिखा देता हूँ जिससे आप आसानी से इनको समझ पाएंगे। जितना भी सारा है सारे मेरे को स्क्रीनशॉट मिला है, जो जो मिला है मैं आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, मैं आपको जो डेटा था वहीं स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखा देता, लेकिन मैं यहाँ आपको तुलना करके बताने वाला हूँ कि कल जो 3 बजे से फॉर्म भरे गए थे और आज दोस्तों जो 12 बजे तक यानी कि टोटल 20 घंटे में कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं। दोस्तों, कहीं 20 घंटे हैं, कहीं 17 घंटे हैं, लेकिन जो फॉर्म भरने की तुलना है वो मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ। ये जो डेटा है दोस्तों, ये कल 3 बजे तक का डेटा है और दोस्तों ये जो डेटा है ये आज 12 बजे तक जितने फॉर्म भरे गए हैं उसका डेटा है। दोस्तों, ये मेरी जानकारी एकदम 100% सही है। आप अगर आज फॉर्म भरने जा रहे हो तो आपको इससे ज़्यादा ही डेटा देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको दिखा देता हूँ जो अहमदाबाद में फॉर्म भरे गए थे वो कल दोस्तों 2,07,898 थे, आज दोस्तों 2,22,988 हो गए हैं। अजमेर की बात करें दोस्तों 2,99,000 थे, आज 3,45,000 हो गए हैं। इलाहाबाद की बात करें तो 7,72,000 लगभग थे, आज 8,10,992 फॉर्म हो गए हैं। बात करते हैं दोस्तों बेंगलोर की, तो बेंगलोर में 5,09,000 लगभग थे, आज 5,17,682 हो चुके हैं। भोपाल की बात करें तो 1,80,000 थे, आज दोस्तों 2,39,976 फॉर्म हो गए हैं। भोपाल में बहुत ही ज़्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं आज की डेट में देखें तो। बात करते हैं भुवनेश्वर की तो 1,51,000 थे, आज 1,71,000 हो गए हैं। बात करते हैं बिलासपुर की तो 1,60,000 थे, आज 1,78,000 हो गए। दोस्तों, ये आपके लिए एक सेफ जोन रह सकता है और भुवनेश्वर भी सेफ जोन रह सकता है। तो दोस्तों, आप अपने स्वयं विवेक का काम लेके अपना जोन यहाँ पर देख सकते हैं, आप कौन से जोन में कितने फॉर्म भरे जाने हैं, कितने कम हैं। इसीलिए दोस्तों मैं ये तुलना करने वाला वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आप अनुमान लगा सके इस फॉर्म में कम फॉर्म भरे जा रहे हैं, कौन सा अपने लिए सेफ जोन रहने वाला है। हाँ दोस्तों, किसी अदर की विचार की धारा को ना लेते हुए अपना जोन चूज करें, बल्कि अपने स्वयं विवेक का काम लीजिए और अपने हिसाब से ही जोन चूज कीजिए। आज क्योंकि दोस्तों आपको पता है NTPC एग्ज़ाम आपको वहाँ उसी जोन में 5 बार देने के लिए जाना पड़ने वाला है। CBT फर्स्ट अपने ही जोन में होगा, लेकिन CBT 2 आपको 5 जो आपने जोन चूज किया है उसके अंदर आपको देने के लिए जाना पड़ेगा। तो अपने होम टाउन या पास का ही जो जोन है उसी को आप चूज कीजिएगा,
फिर अगर आपको जॉब करना कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में लेने की इच्छा है तो आप कोई अदर जॉब चूज कर सकते हो जहाँ आपको लग सकता है कि यहाँ कटअप कम रह सकती है, फॉर्म कम भरे जा रहे हैं। तो दोस्तों मेरी जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट चंडीगढ़ जोन की, तो यहाँ 5,20,000 फॉर्म भरे गए थे कल की डेट में, लेकिन आज 5,69,000 हो गए हैं। दोस्तों ये थे आज के 12 बजे तक के जितने फॉर्म भरे उनके हैं, लेकिन शाम को 8 बजे तक जितने फॉर्म भरे जाएंगे उनका मैं डेटा फिर से कलेक्ट करके आपके लिए लेके आऊँगा, और यहाँ पर हम इसके माध्यम से फिर से इसी यहाँ कॉलम बना के एक तुलना और कर लेंगे कि आज के दिन में कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो शाम को जैसे मेरे को डेटा मिलता है सारा सारा डेटा मैं आपके सामने वीडियो में लेके आऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दिया तो आपको 8 बजे से नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि सबसे पहले आप वो वीडियो देख सको। बात करते हैं दोस्तों चेन्नई जोन की, तो चेन्नई में 4,16,000 फॉर्म भरे गए थे, लेकिन आज 4,55,000 हो गए हैं। गोरखपुर की बात करें तो 3,78,000 थे, आज 3,78,900, सॉरी यहाँ का डेटा कुछ मिस्टेक हो गया, कल का आज का मैच हो गया शायद, तो मेरे को यहाँ आज का डेटा मिला नहीं होगा। बात करते हैं गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी की कल 1,17,000 थे, लेकिन आज 1,90,000 हो गए हैं। बात करते हैं दोस्तों जम्मू की, तो यहाँ 17,987 थे, यहाँ 3,11,657 हो गए। दोस्तों हो सकता है तो मैं आपके गुवाहाटी को शाम को फिर से डाटा कलेक्ट कर दूंगा, यहाँ शायद तक मेरे से लिखने में कुछ मिस्टेक हो गई होगी। बात करते हैं दोस्तों कोलकाता की, तो कोलकाता में कल 3,16,000 थे और आज देखें तो 3,46,000 लगभग हो गए हैं। मालदा में 5,80,000 थे, लेकिन आज दोस्तों लगभग कल दोस्तों 58,000 लगभग 58,000 फॉर्म थे, 58,058 थे, लेकिन आज की डेट में देखें तो मालदा में 2,79,865 फॉर्म हो गए हैं। दोस्तों इसे कहते हैं टाइम चेंजर, बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं मालदा में। बात करें 2,79,865, हाँ दोस्तों कल मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि सर आपका ये मालदा का फेक डेटा है, हो सकता है यहाँ पर मेरे को लिखने में मिस्टेक होगी होगी, यहाँ 1,58,000 थे लेकिन आज 2,79,000 हो गए हैं, सही था यहाँ पर लिखने में मिस्टेक थी, यहाँ 1,58,000 थे लेकिन आज 2,79,000 हो गए हैं। बात करते हैं दोस्तों रांची की, तो 1,68,000 लेकिन आज 1,83,000 फॉर्म हो गए हैं। दोस्तों मालदा अभ्यर्थी एक बार फिर से ध्यान दे दीजिए, यहाँ पर 2,79,865 फॉर्म फिल हो चुके हैं। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से फॉर्म चूजिए, रात को 8 बजे मैं आपके लिए पुनः एक वीडियो लेके सामने हाजिर रहूँगा, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। ये दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं भी मोटिवेट होकर आपके शाम के लिए डेटा इकट्ठा कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, बाय।